नमन करते हुए, इस तरह तिरंगे को नमन करते हुए और इस प्रांगण में हर व्यक्ति की ओर से इन महापुरुषों को नमन करती हूँ और इनके जीवन से जिन्होंने प्रेरणा ली, जिसकी वजह से इस प्रांगण की नींव रखी गई थी, जिस व्यक्ति ने वो नींव रखी थी, सेठ कन्होर लाल जी को मैं नमन करती हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इन दोनों महापुरुषों को याद करते हुए भारत में स्वच्छता संकल्प दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है वो भारत में सिर्फ नगरों गांवों को स्वच्छ करने के लिए नहीं होना चाहिए, यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के हर नागरिक को अपना तन मन विचार और जितनी भी चीज़ें से वो अपने आप को स्वच्छ रख सकता है उसको वो रखना चाहिए। मैं चाहूँगी कि भारत जो है एक भूखंड नहीं भावखंड है, तो हमें भूमि को स्वच्छ नहीं रखना है, हमें अपने भावों को भी स्वच्छ रखना है, अपनी दृष्टि नहीं दृष्टि के साथ सृष्टि को भी उज्जवल रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको कल के लिए अग्रिम बधाई देती हूँ नवरात्रों की, और जय हिंद जय भारत जय मातृभूमि। आप तो नंगे हो, तो उस समय महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे वस्त्रों की तो बात छोड़ो, मेरे भारत के पूरे भारत के वस्त्र तो क्या, पूरी पृथ्वी पर शासन होता था उस समय का किंग, तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वही ऐसा कह सकता है। तो कितनी बड़ी भूमिका उस गांधी की हमारे देश के प्रति आजादी के प्रति रही होगी। महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि हमारा भारत एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत हो, और इसी सफल प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सफल प्रयास किए हैं। गांव, महल्ले, गली और कस्बे, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहर इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर काफ़ी समर्थन करते हैं और इस चीज़ को काफ़ी खुशी के साथ भी मनाते हैं कि स्वच्छ देश होगा। तो हम 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी से कुछ दूर पर स्थित मुगल सराय क्षेत्र में एक अति साधारण परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ था। समस्त शिक्षिका वर्ग, प्यारे बच्चों, सारे श्रमजीवी वर्ग जो इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के धरातल से ऊपर तक सारे कार्यक्रम को संचालित करने में मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इस आधार पर